रेडी, तो अभी चलते हैं। और आज मैंने ना यही वाली साड़ी पहनी फिर से, क्योंकि मेरी काव्या ना बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, मम्मी प्लीज वही पहन लो, प्लीज वही पहन लो। मैंने कहा सब लोग क्या सोचेंगे कि मतलब दूसरी तीसरी राउंड ये वाली पहन चुकी, लेकिन काव्या की जिद पे मुझे पहनना पड़ा। प्लीज आप लोग माइंड मत करिएगा, है ना, तो इतना सोचिएगा नहीं, ज्यादा इन सब चीजों पर सोचना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और कैसी लग रही हूँ जरूर बताइए कमेंट में। और ये जो नए वाले झुमके लाई थी ना, मैं लास्ट टाइम आपको दिखाने भूल गई, तो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं जरूर बताइएगा। पहनी हूँ गले में सिवाय, कह रहे हैं आप गले में कुछ पहनी नहीं, ये देखो चुंदचा पहनी हूँ, चुंदचा, ठीक है। और सिवाय कह रहे हैं मुझे भी मम्मा ले चलो, लेकिन मैं इनको ले नहीं जाऊंगी। और आरोही अंदर नहा रही ना, इसलिए पानी की आवाज आ रही है। स्कूल से आए ये लोग तो आज खाना पहले ही खा लिया, कभी कभी ना ये सब दो बार नहा लेते, कभी एक बार गर्मी लगती तो चलिए लेट हो जाएगा। वैसे तो 3 बजे का टाइम था, लेकिन 3:30 तक पहुंच ही जाएंगे हर हाल में। तो चलते हैं वहां पर, कैसा रहेगा वो आप इंजॉय करिएगा हमारे साथ में, और फिर मिलेंगे हम आपसे किटी पार्टी में, ठीक है। तो अभी किटी में हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हो रहा है पूरा नाश्ता। तो बहुत ही यमी यमी नाश्ता बना था, मतलब सबसे पहले तो थे पेड़े, बहुत ही स्वादिष्ट बने थे, एकदम ताज़े थे। और फिर था ढोकले, और चाट थी आलू की टिक्की, तो चाट भी बोल सकते हैं उसको। और बहुत सारी चीज़ें थी, आइसक्रीम भी खाई, बहुत कुछ था। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और चाट वगैरह तो लेडीजों को अच्छा ही लगता है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने अपना पर्ची वगैरह उछाली, सब किटी का जो होता है वो सब कुछ किया। उसके बाद फिर हो रही यहाँ पर गेम की तैयारी, तो गेम के लिए कुछ पर्ची वगैरह बना ली गई हैं। तो हम लोग खेलने वाले दूसरा गेम, चार ही जोड़ी हम लोग का तैयार हो रहा है ना। नहीं है, ससी नहीं है, मौसी है, मौसी मौसी। अब चाची की ससी कहाँ है, चाचा कहाँ, मौसा आओ जल्दी, नहीं हो रहा, एक लाइन सिखाना रहेगा, चलिए उठा लो भैया, उठा लो। तो इस गेम में जो हम लोगों ने पर्चियां बनाई थी, उन पे लिखा था किसी पे काजल, तो किसी पे पायल, चूड़ी, गजरा, इस तरह से। और 7 पर्चियां थी जो कि उछाली गई, और जिसके हिस्से में जो आई उसको वो एक्ट करना था और गाना गाना था। तो हम लोगों ने थोड़ी सी टीवी की हेल्प ले ली, म्यूज़िक लगा लिया था, तो बाकी की सारी चीज़ें आप हमारा जो एक्ट है उसको ज़रूर इंजॉय करिए। तो यहाँ पर फिर बारी बारी सभी लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और इंजॉय करते रहे। तो किसी के हिस्से में गजरा, तो मेरा तो गजरा आया था, तो चलिए इंजॉय करते हैं। तो
तो बस मैं किटी में ही थी और काव्या की जो फ्रेंड है उसकी मम्मी आने वाली थी हमारे घर आरती में, हम लोगों ने इनवाइट किया था। तो बस जल्दी जल्दी किटी से आया 6:30 बजे और फटाफट से 7 बजे फिर की है हमने पूजा। तो उनके साथ में ही आज आरती हुई है हमारी, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को मिल करके। तो गणपति बप्पा विराजमान है तो अपने साथ खुशियाँ तो लेकर के आए ही हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाएँ और आप हमारे वीडियो को इंजॉय कर सकें। तो नोटिफिकेशन आएगा तभी आप हमारा ब्लॉग देख पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ज़रूर करें कि सब्सक्राइब का बटन दबाएं, फिर घंटी के बटन को दबाएं और फिर ऑल पे क्लिक करें। और हाँ, वीडियो को फुल वॉच करें और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बहुत ज़रूरी है। आप हमें सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर आरती आरती होने के बाद मैंने अंदर और तुलसा जी में पूरा मतलब आरती दिखा दी है, सब कर दी है। अंदर भी माता रानी बैठी है ना मेरी, तो सबको आरती दिखा दी, सबको आरती दे दी। उसके बाद अभी घर में सभी को आरती दे देंगे। बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं काव्या की फ्रेंड है, पहले भी आपने इसको हमारे ब्लॉग में कई बार देखा होगा। तो ट्यूशन के भी बच्चे थे तो सभी ने आरती ले ली और यहाँ पर हो गई पूजा। उसके बाद मैं बना रही हूँ खाना जल्दी जल्दी, तो फटाफट से ही बन रहा है यहाँ पर खाना। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी, क्योंकि आज भी हम लोगों को रात में भी कहीं जाना था, कहीं मतलब एक ये जो भाभी आई थी इनके घर के बिल्कुल सामने गणपति जी बैठते हैं, तो वहाँ पर था ड्राइंग कंपटीशन बच्चों का। तो उसका वीडियो ना अभी मैं इसमें डाल नहीं पाई हूँ क्योंकि ब्लॉग जो है हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले ब्लॉग में वो आपको एंजॉय करने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप अगला ब्लॉग भी हमारा ज़रूर देखिएगा। तो अभी खाना ना बना के रख के फटाफट से हम लोग वहाँ पर जाएंगे इनके साथ में ही, और उसके बाद फिर वहाँ से मतलब लौटते लौटते ना हमको वही 10:30-11:15 के लगभग बज गए थे और इनकी ड्यूटी ना वहीं पर आ गई थी। तो बस जल्दी जल्दी से घर में आए और उसके बाद खाना वाना खाया। तो ये मैं जल्दी से बना करके रख दूँगी क्योंकि क्या है ना, लौट के बनाऊँगी 11:12 बज जाएंगे तो फिर लेट हो जाता। तो क्योंकि मैं तो थोड़ा सा खा करके ही आई हूँ और बच्चे और ये हैं तो हम लोग हल्का फुल्का ही खाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ही बना करके रख देंगे। तो हमारे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप छोटा सा भी एक शब्द लिखकर भेजेंगे ना तो हमें बहुत अपार खुशी होती है, आपको बताऊँ। हमें आप लोग इनकरेज किया करिए प्लीज़। तो तब तक दूसरी साइड ना मेरी सब्जी पक रही थी, तो देखिए सब्जी लगभग पक ही गई है, इसमें टमाटर भी डल चुका है। तो बस मेरे घर का जो भुना हुआ एक मसाला है, खड़ा धनिया वगैरह, वो मैं डाल दूँगी। तो उसको डालने से ना बैंगन आलू की सब्ज़ी में और 4 चांद लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लग जाती है। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।